स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा, सर आप हमारे साथ क्रिकेट खेलें। 5 गेंदों पर टीचर ने 2 रन्स बनाए, 6 गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। स्टूडेंट्स ने शोर मचाकर भरपूर खुशी जाहिर की। क्लास में टीचर ने पूछा, कौन कौन चाहता था कि मैं इसकी गेंद पर आउट हो जाऊं? सब बॉलर्स ने हाथ खड़े कर लिए। टीचर हंस दिए, पूछा मैं क्रिकेटर कैसा हूँ? सब ने कहा बहुत बुरे। पूछा मैं टीचर कैसा हूँ? जवाब मिला बहुत अच्छे। टीचर फिर हंस दिए, सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया भर में फैले हुए मेरे हजारहा स्टूडेंट्स, जिनमें मेरे कई नज़रियाती मुखालिफ हैं, गवाही देते हैं कि मैं अच्छा टीचर हूँ। राज की बात बताऊँ, मैं जितना अच्छा टीचर हूँ उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। मुझे हमेशा सबक याद करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और बात समझने में वक्त लगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसके बावजूद मुझे अच्छा टीचर क्यों माना जाता है? सब ने कहा, सर आप बताएं। टीचर ने कहा, अदब, सिर्फ अदब, रिस्पेक्ट। मुझे अच्छी तरह याद है, अपने टीचर के यहाँ दावत की तैयारी में उनकी मदद कर रहा था। फ्रीजर से बर्फ निकाली जिसे तोड़ने के लिए कमरे में कोई शय नहीं थी। उस्ताद काम के लिए कमरे से निकले तो मैंने मुक्का मारकर बर्फ तोड़ दी और उस्ताद के आने से पहले जल्दी जल्दी टूटी हुई बर्फ दीवार पे दे मारी। उस्ताद कमरे में आए तो देखा मैंने बर्फ दीवार पर मार कर तोड़ी है तो उन्होंने मुझे डांटा, तुम्हें अकल कब आएगी, यूं बर्फ तोड़ी जाती है। मैंने उनकी डांट खामोशी से सुनी। बाद में उन्होंने इस बेवकूफ़ी का जिक्र कई जगहों में किया और मैं हमेशा बेवकूफ़ों की तरह सर हिलाकर उनकी डांट सुनता। उन्हें आज भी नहीं मालूम कि बर्फ मैंने मुक्का मारकर तोड़ी थी। ये बात मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो एक हाथ से माजूर थे, उनकी गैर मौजूदगी में मैंने जवानी के जोश में मुक्का मारकर बर्फ तोड़ दी। लेकिन जब उनकी माजूरी का ख्याल आया तो सोचा कि मेरी ताकत के मुजाहरे से उन्हें एहसास कमतरी ना हो, इसलिए मैंने बर्फ दीवार पर मारने की हरकत की और लंबे अरसे तक डांट सुनता रहा। और एक आप लोग के एक दूसरे को चीख चीख कर कह रहे हो, हिदायत दे रहे हो कि सर को यार कर मारो, सर को यार कर मारो, सर को यार कर मार के आउट करो। जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारने से जिंदगी में जीत के रास्ते खुलते हैं। आप ताकत में अपने टीचर्स और वालिदैन से बेशक बढ़ जाते हैं, लेकिन जिंदगी में सबसे जीतना चाहते हैं तो अपने टीचर्स और वालिदैन से जीतने की कोशिश ना करें। आप कभी नहीं हारेंगे। अल्लाह पाक आपको हर मैदान में सुरखुरू करे। आमीन सुमामीन।